नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय। हिमालयन आइडल सीजन 2 स्पॉन्सर्ड बाय डियर लॉटरीज नेपाली सिंगिंग टैलेंट सर्च प्रेजेंटेड बाय एसके ऑडियो विजन अलॉन्ग विद एसके लाइव न्यूज कमिंग सून फॉर ऑल एस्पिरेंट सिंगर्स हु वांट टू हिट दिस बिग म्यूजिक इंडस्ट्री। एक करोड़ केवल 6 रुपया मा? सच्ची किन्न होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। सिलीगुड़ी के निकट रंगापानी बस स्टैंड इलाके में भीषण सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार रात रंगापानी रेलवे फाटक बंद था। जैसे ही रेलवे फाटक खुला, सभी वाहन दोनों दिशाओं से तेजी से आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान एक ट्रक के बाद एक 3 वाहनों के साथ जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में बच्चों के होने की भी बात कही जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही बागडोगरा थाने के रंगापानी आउटपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल घायलों का इलाज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। 7 अक्टूबर को होने वाले दुर्गा पूजा कार्निवाल को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां चल रही है और आज इसी को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई सिलीगुड़ी नगर निगम के सभाकक्ष में, जिसमें जिला अधिकारी, पुलिस आयुक्त व संबंधित अधिकारियों के साथ नगर निगम के मेयर गौतम देव ने मीटिंग किया। 30 रुपए की लॉटरी ने बनाया एक श्रमिक को रातों रात करोड़पति। मालदा जिले के मिल्की गाँव निवासी मजदूर रुनुशेख पूजा के दौरान 30 रुपए की लॉटरी खरीद कर रातों रात करोड़पति बन गए हैं। वह व्यक्ति सिलीगुड़ी से सटे फुलवाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के चतुर्गाज इलाके में मुर्गी प्रजनन केंद्र में काम करता है। गौरतलब है कि उनकी पत्नी और 2 बच्चे लंबे समय से वो छोड़ के मालदा में ही यहां पर काम कर रहे हैं। कल उन्होंने 30 रुपए की लॉटरी खरीदी, जिसमें 1 करोड़ का इनाम जीत कर वो करोड़पति बन गए हैं। इसके बाद वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए कल रात को न्यू जलपाईगुड़ी थाना पहुँची, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान किया। 2014 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टेट परीक्षा का आयोजन किया गया था। हालांकि भर्ती सूची 2016 में प्रकाशित हुई थी। जलपाईगुड़ी जिले के 7 लोगों के नाम इस सूची में नहीं थे। इधर बताया जा रहा है कि कथित तौर पर भर्ती परीक्षा में 6 प्रश्न गलत थे। राज्य के अन्य जिलों के साथ साथ इन नौकरी के इच्छुक 7 उम्मीदवारों ने इस बारे में कोलकाता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था। न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने 2018 में इस मामले का फैसला सुनाया था। अदालत के आदेश के बाद आखिरकार इन 7 लोगों को नौकरी मिल गई, जिसके बाद सभी खुश हैं। सिलीगुड़ी के बांग्ला भाषा के महत्वपूर्ण स्कूलों में से शुमार ज्योत्सनामयी बालिका प्राथमिक विद्यालय के 75वें वर्ष के अवसर पर स्कूली बच्चों ने पानी की बर्बादी रोकने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के संदेश के साथ रंगारंग शोभा यात्रा निकाला। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल परिसर से हुई। प्रधान शिक्षिका आतोसी रॉय दास गुप्ता ने कहा कि स्कूल के 75वें वर्ष के अवसर पर विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। निर्मल विद्यालय अभियान के तहत जलपाईगुड़ी में जल संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए छात्राओं की ओर से विशेष पहल की जा रही है। शहर के मारवाड़ी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राएं जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक कराने में जुटी हुई है। स्कूल की प्रधान अध्यापिका लक्ष्मी बागची ने कहा, पानी को किसी तरह से बर्बाद नहीं किया जा सकता। जल संरक्षण के बारे में लोगों को सचेत करने के लिए ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बांग्लादेश से इलाज करवाने भारत आए एक युवक की मौत हो गई है। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर इलाके की है। घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक छाया हुआ है। मृतक का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, इस बात को लेकर परिजन परेशान हैं। गौरतलब है कि 20 सितंबर को बांग्लादेश के लहंगा बाजार इलाके से जमींदार शेख नामक एक शख्स पासपोर्ट और वीजा लेकर डॉक्टर दिखाने के लिए भारत आए थे। जलपाईगुड़ी में असम मोड़ सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की इस वर्ष की थीम विश्व शांति की खोज में है। मां दुर्गा की प्रतिमा भी शांत मुद्रा में है। चंदन नगर की प्रकाश सज्जा की गई है। पूजा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष यहां की दुर्गा पूजा 56वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने काफी संख्या में लोगों के पूजा पंडाल में जमा होने की उम्मीद जताई है।
इस्लामपुर थाने की पुलिस ने कच्ची सब्जियों से लदे एक वाहन से 165 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह घटना अंतरराज्यीय गांजा तस्करी से जुड़ी है या नहीं। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। ভালো হোক সকলের নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ। ভাগ্যের চাকা এবার ঘুরিয়ে দিতে পারি, এসে গেছে দিয়ার পুজো বাম্পার লটারি। দিয়ার দুর্গা পুজো বাম্পার লটারি, নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ার দুর্গা পুজো বাম্পার। প্রথম পুরস্কার 5 কোটি গ্যারেন্টেড, মাত্র 1 লাখ টিকিটের মধ্যে। টিকিটের মূল্য মাত্র 2,000 টাকা। লাকি ড্র 8ই অক্টোবর। প্রথম পুরস্কার শুধুমাত্র বিক্রি হওয়া টিকিটের মধ্যে। ডিয়ার দুর্গাপুজো বাম্পার 2021-এ 5 কোটি জিতেছিলেন রিপন সরকার। আপনি কি এবারে কোটিপতি? Amante has understood Indian women taste with style, shape and color. Whether you are looking for a comfort bra or a stylish one, Amante has all padded bra, printed bra, lacy bra, seamless bra, wired bra. Amante has seamless panties, bikinis with lacy panties and hipster panties. Swimwear and activewear are also available in Amante. Shop with us to get regular discount. Himalayan Kin Furniture, यहाँ पे उपलब्ध है attractive Kin Sofa Set, Dining Set, Crystal के Bedroom Set, Sofa Set, Dining Set, Office Furniture. Tata Steel Product के Steel and Style में है 3-door और 2-door Almira, Dressing Table, Office Furniture. Carlton Sofa World में मिलेंगे Sofa Set, Mattress, Pillow, Protector Bedsheet एवं सभी तरह की Furniture और Furnishing. पूजा ऑफर में है up to 20% Discount और Attractive Gift. 35 सालों के विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्नीचर नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, प्रधान नगर, हिलकार्ट रोड, सिलीगुड़ी। स्वास्तिक टावर सालूगढ़ा सिलीगुड़ी के लिए लाया है 2 BHK फ्लैट मात्र 22,61,000 रुपए ऑनवर्ड्स में। अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वास्तिक टावर, अतिरिक्त सुविधाएं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, रूफटॉप गार्डन, गजेबो सीटिंग, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किंग, सीसीटीवी एंड जनरेटर। स्वास्तिक टावर सालूगढ़ा सिलीगुड़ी। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 6295700351। एक करोड़ केवल 6 रुपए मा? सच्ची किन्नोस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपए मा, अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपए।